ओके गाइस, सो मैं अभी ना लेंसेज क्लियर कर रही हूँ. सो मैं ये वाले लेंस क्लियर कर रही हूँ. ये वाले ना वन टाइम के लेंसेज है. मैं मतलब बहुत कम मैं लेंस क्लियर करती हूँ, कभी कभी, बट आज मेरा मन है कि मैं लेंस क्लियर करूँ. सो दिस इज फ्रॉम, सो ये है हेजल, शेड हेजल. देखते हैं कैसे लगते हैं. Okay, so it looks like this. I don't know कैसे लग रहा है यार. इफेक्ट्स क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ट्राई करते हैं दूसरा वाला भी. मे बी दोनों पहनने के बाद लुक आए कुछ अच्छा सा. वैसे तो मुझे ना ठीक लग रहा है. मे बी फुल जब अच्छे से रेडी होने उसके बाद लुक आए. तो अभी एकदम सेट हो चुके हैं लेंस साइज में, एंड आई थिंक अच्छे लग रहे हैं यार. बाकी अगर कुछ मुझे प्रॉब्लम लगी ना बाद में, सो मे बी आई विल रिमूव, बट अभी के लिए तो मुझे ठीक लग रहा है. और एक बार देखते हैं, मैं एक बार अच्छे से रेडी हो जाऊँ पूरी, देन अगर मुझे ठीक लगे तो ठीक है, अगर नहीं लगे तो मैं रिमूव कर दूँगी लेंस. वैसे मुझे अच्छे लग रहे हैं यार. देख, हे गाइस, सो रेडी हो गई हूँ मैं. बस अब हेयर स्टाइल बन रहा है, बट मैंने अभी लिपस्टिक नहीं लगाई है. मैं सोच रही हूँ पहले एक बार पूरा रेडी हो जाऊँ, फिर उसके बाद ही मैं लिपस्टिक लगाऊँ. अब बस कर्ल्स रह गए हैं, तो जैसे ही कर्ल्स होते हैं फिर मैं निकलती हूँ यार वेन्यू के लिए. धैर्य, मैं सोच रही हूँ धैर्य को ना मैं वहीं जाके रेडी करूँ, तो ना बच्चा यार परेशान हो जाएगा कोट पैंट है इसके, तो मैं सोच रही हूँ वहीं जाके रेडी कर लूँ. फटाफट रेडी हो जाएगा, इसको कितना टाइम लगेगा. हे गाइस, सो मैं रेडी हो गई हूँ एंड मैं निकल गई हूँ घर पे. मैं शूट नहीं कर पाया बिकॉज ना मैं लेट हो गया और एन का बार 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 कॉल आ रहा है, बहुत गुस्सा कर रहे हैं, तो इसलिए मैं निकल गई हूँ. एंड ये रहा धैर्य, धैर्य भी रेडी है, बस मुझे उसका ना कोट पहनाना है, दैट्स इट. मैं घर से रेडी करके लिया बिकॉज लेट हो रही थी मैं, इसलिए. सो मैं निकल गई थी मेन्यू के लिए एंड लाइक घर के लिए, एंड देन घर पहुँच गए वहाँ पे, देन हम साथ में सब लोग मेन्यू के लिए निकलेंगे. सब लोग रेडी है, बस मैं ही लेट हो गई, सो सॉरी फॉर दैट. बिकॉज ना मैं रेडी थी टाइम पे, बट मेरी हेयर स्टाइलिस्ट लेट थी, तो उसके वजह से मुझे थोड़ा सा लेट हो गया. मैंने उसको 3:30 का टाइम दिया था, बट वो 5:00 आई. हाँ, वो 1.5 घंटा लेट थी, इस वजह से मुझे लेट हो गया. अदरवाइज मैं ऑन टाइम थी, बट इट्स ओके. अभी थोड़ी देर में मैं पहुंच जाऊंगी वेन्यू पे, देन मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाती हूँ, वेन्यू वगैरह सब कुछ. देखते हैं कितना शूट कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, लेट्स सी. आई जस्ट होप आयन का मूड एकदम नॉर्मल हो, ज़्यादा गुस्सा ना करे वो. देखते हैं एक बार पहुँच के, सॉरी बोलना पड़ेगा, गलती है मेरी. हेलो गाइस, तो वेन्यू पे हम लोग आ गए हैं, बट अभी कोई नहीं आया. मुझे लग रहा था लेट हो गए, बट कोई भी नहीं आया. बट मेरी फैमिली आ गई है, मेरी बड़ी मम्मी की वगैरह की फैमिली आ गए हैं, मेरी भाभियाँ, और यहाँ पे मेरी बड़ी मम्मी है, भाई है, मेरा छोटा भाई है, और अभी कोई नहीं आया. अभी मैं जब तक ना आपको मेन्यू दिखा देती हूँ. ये सेकंड फ्लोर है, अभी इससे एक और फर्स्ट फ्लोर भी बुक है, तो यहाँ पे अभी केक कटिंग का प्रोग्राम होगा यहाँ पे, बाकी सब कुछ फर्स्ट फ्लोर का है. दिखाती हूँ मैं आपको एक सेकंड. मेरा धैर्य, ये रहे आयान, और यहाँ पे वो केक कटिंग का प्रोग्राम. ये हमने बॉस बेबी थीम रखी हुई है, और इट्स डीजे. सो या अभी इतने ही गेस्ट आए हैं, बाकी अब सभी आ रहे हैं. मेरे मम्मी पापा भी बस अभी पहुंचने वाले हैं, नीचे ही हैं, तो मैं उन लोगों से ही मिलवाती हूँ एक बार. हेलो गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग. सो आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर, इतनी सारी रिक्वेस्ट में फाइनली आज मैं धैर्य के बर्थडे का व्लॉग शूट अपलोड कर रही हूँ. फर्स्टली गाइज, मैंने नहीं सोचा था कि मैं व्लॉग अपलोड करूँगी, बिकॉज मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं था उस दिन. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पार्टी में जाके व्लॉग करना लाइक टाइम ही नहीं मिला. आई मीन आप लोग समझ सकते हो,
वहाँ पे जाके मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं ब्लॉग वगैरह शूट करूँ। सो ये मैं ओरिजिनल क्लिप्स डाल रही हूँ जो हमने स्पेशली फोटोग्राफर से रॉ वीडियो मांगी है। अभी कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं हुई हुई है इनमें। सो ये रॉ क्लिप्स है बर्थडे पार्टी की। सो मैं इन्हीं को अटैच करके आपको एक ब्लॉग काइंड ऑफ दिखा रही हूँ, सो दैट आप लोगों की इतनी डिमांड आई थी, इतनी रिक्वेस्ट कर रहे थे आप लोग। सो मैंने सोचा ठीक है, मैं फाइनली आप लोगों को दिखा ही देती हूँ, आप लोग इतना प्यार कर रहे हो इसलिए। एंड फर्स्टली सो सॉरी गाइज कि मैं ना ओरिजिनल साउंड इसमें प्ले नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इशू। यूट्यूब का एक क्राइटेरिया होता है कि जो ओरिजिनल साउंड्स होते हैं लाइक सॉन्ग्स होते हैं, बिकॉज सॉन्ग्स वगैरह प्ले हो रखे थे डीजे पे, तो हम लोग वो आपको नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर डाल रही हूँ। अदरवाइज मैं कोई भी सॉन्ग यहाँ पे प्ले कर दूंगी जो कॉपीराइट इशू के और लाइक कॉपीराइट इशू जिस पे ना हो, तो मैं वो वाला सॉन्ग भी प्ले कर दूंगी। बट यस डेफिनेटली अगर ओरिजिनल साउंड के साथ आप पूरी वीडियो देखते तो और ज़्यादा अच्छा लगता, और ज़्यादा मज़ा आता वीडियो देखने में, बट नहीं कर सकते, सो सॉरी। सो इसलिए सो प्लीज़ आप लोग व्लॉग को एंजॉय कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए इस व्लॉग पे, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी छोड़िए प्लीज़ गाइज। सो या कीप वॉचिंग एंड एंजॉय द व्लॉग।